हर म्यूटेशन में आपने आसानी से ब्लूटूथ कैसे बनाना है, जिस वर्किंग से आप कंफर्म ब्लूटूथ हासिल कर सकेंगे। और अच्छा, ये जो दो बर्ड हैं ये आपके पास शेड में हर टाइम मौजूद होने चाहिए, यानी किसी भी ब्लू बर्ड के साथ टेस्ट ब्रीड की भी हो। अगर आप परचेज करना चाहते हैं कंफर्म ब्लूटूथ, वो भी आप किसी भी जानने वाले अच्छे ब्रीडर से परचेज कर लें। ग्रीन कलर के आपने ब्लूटूथ किसी भी म्यूटेशन में जब बना लेंगे, तो आगे आपने उस म्यूटेशन का पार्लू अपलाइन या पार्लू बर्ड कैसे ब्रीड करवाना है। अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स मुबीन वकार मोबी बर्ड से। उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे और आपके बर्ड भी खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हर म्यूटेशन में आपने आसानी से ब्लूटूथ कैसे बनाना है, जिस वर्किंग से आप कंफर्म ब्लूटूथ हासिल कर सकेंगे। और कुछ दोस्त इस फील्ड में न्यू हैं और उनकी ये शिकायत रहती है कि हमारे से बर्ड हमारे परचेज़ लोग नहीं करते, यानी बड़े ब्रीडर हमसे बर्ड नहीं परचेज़ करते या हमारे बर्ड मार्केट वैल्यू पे नहीं सेल होते। तो ये वर्किंग आप लाजमी करें ताकि आप भी अपने आप को बड़े ब्रीडर में शामिल कर सकें, जिससे ये वर्किंग अगर एक दफ़ा आपने कर ली तो इंशाल्लाह आप भी बड़े ब्रीडर में शुमार हो जाएंगे। आपको लोग जानेंगे कि हाँ भाई, ये बंदा अच्छा ब्रीडर है। ठीक है, जब आप क्वालिटी के बर्ड ब्रीड करवाएंगे तो इंशाल्लाह सारे लोग आपको जानेंगे कि आप अच्छे ब्रीडर हैं। तो क्या वर्किंग है जिससे आप भी अपने आप को बड़े ब्रीडर में शुमार कर सकते हैं? तो ये आपको स्क्रीन पे दो बर्ड नज़र आ रहे हैं, ये एक ब्लू फिशरी आपको नज़र आ रही है और एक ब्लू ओपलाइन नज़र आ रहा है। ठीक है, ये दोनों बर्ड बेसिकली तो ब्लू कलर के बर्ड हैं, लेकिन ये इंटरनल जो हैं ये ब्लूटूथ हैं, ये ब्लूटूथ बर्ड है। और ये आपके शेड में लाजमी होने चाहिए अगर आप न्यू ब्रीडर हैं या पुराने ब्रीडर हैं। और अगर आप अच्छी बर्ड ब्रीड करवाना चाह रहे हैं तो ये दोनों बर्ड आपके पास लाजमी होने चाहिए। ठीक है, इनका क्या फ़ायदा है? आपने कोई भी वर्किंग करनी है तो ये दो बर्ड आपके लाजमी काम आएंगे। उसमें कोई भी म्यूटेशन आपने उसमें पार्लू बनाना हो, ठीक है, या पार्लू अपलाइन बनाना हो जो पीक है किसी भी म्यूटेशन की, तो आप इस बर्ड की मदद से क्विकली आप उस स्टेज तक पहुंच जाएंगे जहां पे एक बड़ा ब्रीडर अपने आप को जो बड़े ब्रीडर हैं जो जहां पे वो स्टैंड करते हैं, आप भी उस जगह पे स्टैंड कर लेंगे। ठीक है, वो क्या वर्किंग है, किस तरह आप पहुँचेंगे इन दो बर्ड के साथ? सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है ये जो दो बर्ड हैं ये कंफर्म ब्लूटूथ होने चाहिए, यानी आपने टेस्ट ब्रीड कर लेनी है किसी भी म्यूटेशन के ब्लू बर्ड के साथ लगा के कि ये कंफर्म ब्लूटूथ है। यानी ये जब ब्रीड करेंगे किसी भी बर्ड ब्लू बर्ड के साथ, तो ये आपको क्लच में 100% पार्लू बच्चे निकाल के देंगे। तो इससे आपका जो ब्लूटूथ है वो कन्फर्म हो जाएगा कि ये 100% ब्लूटूथ है। ठीक है, दूसरा आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि ये किसी भी अदर म्यूटेशन के कैरियर ना हो, यानी सिंपल ब्लैक आई होने चाहिए, यानी इनके अंदर और कोई ब्लड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपने मेक श्योर कर लेना है। अब इनकी इस्तेमाल अपनी वर्किंग में कैसे करना है इन बर्ड का? ठीक है, अब जैसे आपने क्रिमिनो प्रोड्यूस करना है, तो क्रिमिनो प्रोड्यूस करवाने के लिए आपने इसके साथ लोटिनो रेड आई लगा देना है ब्लू फिशरी के साथ। ठीक है, ये जो ब्लू फिशरी ब्लू टू है इसके साथ लोटिनो रेड आई लगा दें, तो क्लच में जितने भी ग्रीन कलर के बच्चे आएंगे सारे के सारे 100% ब्लू टू होंगे। ठीक है, यानी जो भी बर्ड ग्रीन कलर का आएगा सारे के सारा ब्लू टू होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने क्रिमिनो अपलायन बनाना है, ठीक है, तो इस जो ब्लूटूथ ऑफलाइन आपको बर्ड नज़र आ रहा है, आप इसके साथ लोटिनो ऑफलाइन रेड आई लगा दें। ठीक है, तो क्लच में जितने भी बच्चे आएंगे वो सारे के सारे 100% ब्लूटूथ होंगे। जब नेक्स्ट स्टेज पे आप इनको ब्रीड करवाएंगे तो ये आपको क्रिमिनो भी प्रोड्यूस करके देंगे, क्रिमिनो ऑफलाइन भी प्रोड्यूस करके देंगे, और अगर आप इनको ब्लूटूथ करके सेल करते हैं तो ये अच्छी कीमत पे सेल भी हो जाएंगे। ठीक है, जब आप रिज़ल्ट किसी को दिखाएंगे तो इंशाल्लाह वो आपसे ब्लूटूथ कन्फर्म परचेज़ करेगा अच्छे रेट पे। ब्लूटूथ की जो कीमत है वो पार्लू से 4 गुना प्लस में है। जैसे अगर फ़र्ज़ करें आप पार्लू लगाते हैं 10,000 रुपये का,
तो ये जो बर्ड है ये 40,000 रुपये इसकी कीमत हो जाएगी। इसी तरीके से जो भी म्यूटेशन का आप पार्लू ले लेते हैं उसकी प्लस 4 गुना कर लें, तो आपका जो इस बर्ड की कीमत है वो आपको इंशाल्लाह इन फ्यूचर मिल जाएगी। अब इसी तरीके से अगर आप डिल्यूट में ब्रीड करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने ग्रीन कलर का डिल्यूट ख़रीद लेना है या ग्रीन कलर का डिल्यूट ऑफलाइन ख़रीद लेना है, वो आपने अपने इन ब्लूटूथ के साथ ब्रीड करवा लेना है। तो क्लच में जितने भी ग्रीन बच्चे आएंगे सारे के सारे बच्चे 100% ब्लूटूथ होंगे, ठीक है। ये आपको पार्लू भी प्रोड्यूस करके देंगे और अच्छी कीमत पे ब्लूटूथ करके सेल भी हो जाएंगे। इसी तरीके से पेल फेलो म्यूटेशन है, पेल फेलो में आपने ग्रीन कलर का पेल फेलो ले लिया या ग्रीन ऑफलाइन पेल फेलो ले लिया, ठीक है, आपने इन ब्लूटूथ के साथ ब्रीड करवा लिया, क्लच में जितने भी ग्रीन बच्चे आएंगे 100% ब्लूटूथ होंगे। इसी तरीके से आगे डन फेलो आ जाता है, डन फेलो आपने ले लिया, डन फेलो के साथ आपने ब्रीड करवा लिया, ठीक है, अपने इन ब्लू ऑपलाइन को या ब्लू फिशी ब्लू टू या ब्लू ऑपलाइन ब्लू टू को, तो क्लच में जितने भी ग्रीन कलर के बच्चे आएंगे सारे के सारे बच्चे जो है वो ब्लू टू होंगे कन्फर्म विदाउट एनी टेस्ट ब्रीड, ठीक है। और जिस बर्ड के साथ भी लगा रहे हैं उसके स्प्लिट तो 100% होंगे, लेकिन ये कंफर्म ब्लूटूथ भी होंगे जो आपके अच्छी कीमत पे सेल भी होंगे, और अगर आप अपनी वर्किंग में आगे ब्रीड करवाते हैं तो वो भी आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। यानी आप जिस भी म्यूटेशन में पार्लू अपलाइन बनाना चाह रहे हैं या पार्लू बर्ड बनाना चाह रहे हैं वो आपको इन बर्ड की मदद से फ़ौरन से हासिल हो जाएगा। इसी तरीके से आगे ब्रॉन्ज फेलो आ गई है मार्केट में और काफ़ी ब्रीडर जो हैं वो ब्रीड करवा रहे हैं, तो लेकिन जब आप लोग इस पे पहुंचेंगे तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप उस बर्ड की पीक को पकड़ें। तो आप पीक इसी तरीके से पकड़ सकते हैं कि आप जब आपके पास ये दो बर्ड होंगे, ठीक है, क्योंकि आप ब्लूटूथ जब बना लेंगे तो आपसे 100% काफ़ी लोग बाय करेंगे, और आपका रिज़ल्ट भी जब आप अपने तौर पे भी ब्रीड करवाएंगे तो भी आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। यानी हर बर्ड के एंड रिज़ल्ट जो है वो ब्लूटूथ है, ठीक है। तो आपको ब्लूटूथ जब एक दफ़ा हासिल हो जाए तो आप इससे मज़ीद ब्लूटूथ भी बना सकते हैं और इससे आप जो अच्छे रेट पे सेल भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो दो बर्ड हैं ये आपके पास शेड में हर टाइम मौजूद होने चाहिए और मेक श्योर कर लें कि ये कन्फर्म ब्लूटूथ हैं, यानी किसी भी ब्लू बर्ड के साथ टेस्ट ब्रीड की भी हो। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं कंफर्म ब्लूटूथ, वो भी आप किसी भी जानने वाले अच्छे ब्रीडर से परचेज़ कर लें या फिर जिसके पास अच्छी लाइन चल रही है उससे आप परचेज़ करें कंफर्म ब्लूटूथ, ठीक है, और उसको टेस्ट ब्रीड लाजमी करें अपने घर में आकर, ताकि जब आपको कंफर्म हो जाएगा कि 100% ब्लूटूथ है तो वो ही आप उसको किसी भी जब सेल करेंगे तो 100% करके आप सेल कर पाएंगे, ठीक है। वरना आप भी इस डाउट में रहेंगे कि पता नहीं ये ब्लूटूथ है कि नहीं, तो आप जब तक टेस्ट ब्रीड खुद ना कर लें किसी को भी बर्ड ना दें, ठीक है। और इन बर्ड को आप जैसे आप एक पेयर बना लें ब्लूटूथ का, कंफर्म ब्लूटूथ का, क्योंकि आपने जब इसको लॉन्ग टर्म लेकर चलना है तो एक ही बर्ड अगर आप उसको ब्रीड करवाते रहेंगे तो उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी, तो वो आपको वो रिज़ल्ट नहीं दे पाएगा जो एक यंग ब्लड दे सकता है। उसमें आपने क्या कर लेना है, एक ब्लू ऑफलाइन ब्लूटूथ कन्फर्म मेल ले लें और एक ब्लू फिशरी ले लें जो है ब्लूटूथ हो। इन दोनों ब्लू बर्ड को आपस में भी ब्रीड करवाएं जब आप इनको किसी और म्यूटेशन में यूज़ नहीं कर रहे। इन म्यूटेशन से जितने भी आने वाले ब्लू सारे ही बच्चे ब्लू आएंगे, ब्लू ऑफलाइन भी आएंगे और स्प्लिट ऑफलाइन भी आएंगे, ठीक है, और आपको जो होंगे विजुअल ऑफलाइन भी आएंगे, ठीक है। ये जो बर्ड होंगे ये आपके 100% ब्लूटूथ होंगे। जब आप ये किसी भी बर्ड के साथ ब्रीड करवाएंगे ग्रीन कलर के तो 100% ब्लू प्रोड्यूस करके देंगे। ये आप इस तरीके से वर्किंग करेंगे इंशाल्लाह कामयाब होंगे। अच्छा, आखिर में मैं बताता चलूँ कि ये जो ग्रीन कलर के आपने ब्लूटूथ किसी भी म्यूटेशन में जब बना लेंगे तो आगे आपने उस म्यूटेशन का पार्लू ऑफलाइन या पार्लू बर्ड कैसे ब्रीड करवाना है, यानी आपने उससे कैसे 100% पार्लू या पार्लू ऑफलाइन हासिल करने हैं, ठीक है। आप जिस भी म्यूटेशन में ग्रीन कलर का ब्लूटूथ उस बना लेंगे
तो आपने उस म्यूटेशन का ब्लू बर्ड या वॉयलेट बर्ड आप उस बर्ड से ब्रीड करवा लें अपने ग्रीन ब्लू टू से, ठीक है। जैसे आपने क्रिमिनो का जो ब्लू टू बनाया है क्रिमिनो के लिए, तो आपने अल्बिनो रेड आई उसके साथ ब्रीड करवाएं, तो आपको इस क्लच में जितने भी बच्चे आएंगे वो पार्वलू आएंगे और क्रिमिनो आएंगे, ठीक है। ब्लैक आई पार्वलू भी आएंगे और क्रिमिनो भी आएंगे, ठीक है। और अगर आप जैसे डिल्यूट में बना रहे हैं ग्रीन ऑफलाइन ब्लू टू, ठीक है, या ग्रीन ब्लू टू बनाया है आपने, तो आप डिल्यूट ब्लू कलर का डिल्यूट या ब्लू कलर का ऑफलाइन डिल्यूट ले लें, ठीक है, या वॉयलेट कलर में ले लें। डार्क फैक्टर में लेंगे तो आपके पास कलर डार्क आएंगे, ठीक है। तो जब आप इस ग्रीन बर्ड को जो कंफर्म ब्लू टू है, डिल्यूट का स्प्लिट भी है, तो आप जब इससे ब्रीड करवाएंगे तो आपके पास क्लच में सारे के सारे बच्चे पार्वो आएंगे और पार्वो अप्लाइंग डिल्यूट्स आएंगे, ठीक है। इसी तरीके से पेल फेलो में जब जाएंगे तो पेल फेलो में भी आपने ब्लू कलर का बर्ड लगा लिया, ठीक है, तो आपके पास क्लच में जितने भी बच्चे आएंगे वो पेल फेलो और पार्वो अप्लाइंग पेल फेलो आएंगे, ग्रीन पेल फेलो आएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपके पास जो एंड रिजल्ट है वो आपको आसानी से मिल जाएगा। इसी तरीके से जिस भी म्यूटेशन में डन फेलो है, ब्रॉन्ज फेलो है, जिस भी म्यूटेशन में आपने स्प्लिट तैयार किया है ब्लू टू, वो आप ब्लू उसी म्यूटेशन का ब्लू बर्ड लगा लें और आपके पास उस कलर उस म्यूटेशन में पार्ब्लू ऑफलाइन बर्ड ब्रीड हो जाएगा, ठीक है। अब आपने अगर फर्ज करें कि जी ये बना लिया है, लेकिन अगर आप इससे अब आपने नेक्स्ट स्टेज की वर्किंग करनी है, यानी आपने उसमें ब्लू कलर का बर्ड ब्रीड करवाना है, यानी ब्लू कलर का ब्लू टू बनाना है उस म्यूटेशन का, वो कैसे बनेगा? आपने उस म्यूटेशन का पार्लू ऑफलाइन या पार्लू बर्ड इस ग्रीन बर्ड के साथ ब्रीड करवाना है, ठीक है। इसमें से जितने भी ब्लू बच्चे आएंगे, इस वर्किंग में जितने भी बच्चे आएंगे ब्लू कलर के, वो 100% ब्लू टू होंगे कंफर्म, ठीक है। लेकिन जो ग्रीन बच्चे होंगे वो पॉसिबल में चले जाएंगे, वो पॉसिबल ब्लू टू होंगे, लेकिन उस जो म्यूटेशन है उसके स्प्लिट तो 100% होंगे, लेकिन वो जो हैं वो इसके साथ साथ वो पॉसिबल होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें जितने भी ब्लू बच्चे आएंगे वो कंफर्म ब्लू टू होंगे। लेट्स सपोज के आपने पेल फेलो में ले लेते हैं, ठीक है, पेल फेलो का ग्रीन ब्लू टू आपके पास है, ठीक है। अब आपने इसको किस ब्लू कलर में कन्वर्ट करना है, ब्लू टू में, ब्लू कलर के ब्लू टू में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे? आपने पार्लू ऑफलाइन पेल फेलो ले लेना है या पार्लू पेल फेलो ले लेना है, वो अपने ग्रीन बर्ड के साथ आपने ब्रीड करवा लेना है जो कंफर्म ब्लू टू है, ठीक है। जब आप इसके साथ ब्रीड करवाएंगे तो इसमें से जितने भी ब्लू कलर के बच्चे आएंगे, ठीक है, वो जो बच्चे होंगे वो कंफर्म ब्लू टू होंगे, लेकिन इसमें से जो आने वाले ग्रीन बच्चे होंगे वो पॉसिबल ब्लू टू होंगे, ठीक है। तो जो भी म्यूटेशन के बर्ड आप इसमें कन्वर्ट अगर करेंगे तो उस म्यूटेशन का पार्लू लगा लें, तो ये वर्किंग जो है वो इससे आप कर पाएंगे, ठीक है। ये यानी आप जो बर्ड आगे काम मज़ीद आते रहेंगे, आपके शेड में चार चांद लगा देंगे। तो ये बर्ड जो आपने जो ब्लू टू है वो किस तरह बनाएंगे? आप दो पार्लू को आपस में जोड़ लें, इस तरह भी ठीक है अपने घर में ब्रीड करवा के, लेकिन उसमें यह है वर्किंग थोड़ी लंबी हो जाती है, टेस्ट ब्रीड करनी पड़ती है कौन सा बच्चा ब्लू टू कैरियर है या कौन सा बच्चा नहीं है, ठीक है। उसमें वेस्टेज भी आती है और कंफर्म भी आते हैं, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन अगर आप करेंगे तो उससे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी से कंफर्म ब्लू टू बाय कर लें तो आप उसको भी अपनी वर्किंग में कंफर्म लेकर आ सकते हैं, उससे यह है कि आपको रेडीमेड चीज़ मिल जाएगी, लेकिन अब आपने आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको किस तरह मोल्ड करते हैं, किस तरह आगे लेकर चलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और मेरी हौसला अफज़ाई के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।